नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर के कोफ्ते। पालक की सब्जी तो कई तरह से बनाई जाती है, जैसे कि पालक आलू की सब्जी, पालक पनीर की सब्जी, पालक बैंगन की सब्जी, लेकिन आज हम एक नए तरीके से पालक पनीर के कोफ्ते बनाएंगे। तो चलिए हम पालक पनीर के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम पालक पानी से साफ करके बारीक काट करके लिया है। पालक को हम एक बाउल में डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम पनीर लिया है। अब पनीर को इसी में कद्दूकस करेंगे। पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच दरदरा जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद इसी में 1 कप बेसन डाल देते हैं। अब सारे चीज़ों को हम पालक में अच्छे से मिला लेते हैं। हमें सारे चीज़ों को मिलाकर डो बनाना है। पहले इसे हमें अच्छे से मिलाना है, तब इसके बाद हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएंगे, क्योंकि ये अभी हल्के सूखे हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम कोफ्ते बनाएंगे। इसमें से हम थोड़े थोड़े लोई निकाल कर कोफ्ते बना लेते हैं। हम इतने बड़े साइज के कोफ्ते बना रहे हैं। इसी तरह से हम पूरे डो का कोफ्ते बनाएंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज कोफ्ते बना सकते हैं। एक एक करके हमने सभी कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। कोफ्ते तलने के लिए तेल गरम है। अब एक एक करके हम सभी कोफ्ते को तेल में डालेंगे और इसे हम तेज आंच पर सुनहरे रंग में फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ते को हम थोड़ी थोड़ी देर में पलट कर चलाते रहेंगे, जिससे पूरी तरह से सुनहरे रंग में हो जाएं। कोफ्ते सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हम ग्रेवी बनाएंगे। तो पहले हम ग्रेवी के लिए टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। जार में हम 2 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च, 2 टुकड़ा अदरक और 6 से 7 दाना लहसुन डालेंगे। टमाटर पीस कर हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। तो कढ़ाही में हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम कर लेते हैं। हमने सरसों का तेल लिया है, इसलिए हम तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम 2 तेज पत्ता तोड़ कर डाल देते हैं। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को मीडियम आंच पर चलाते हुए हल्के सुनहरे रंग में भुनेंगे। इसी में हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक हम स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं। नमक डालने से प्याज जल्दी से गलकर नरम हो जाते हैं। प्याज सुनहरे रंग में भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। मसाले को प्याज में मिला लेते हैं। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालकर पकाएंगे। मसाले को हम चलाते हुए सूखा होने तक पकाएंगे। मसाले को हम बहुत तेज आंच पर नहीं पका रहे हैं। गैस को हमने हल्का मीडियम में किया है। इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। जैसे जैसे मसाला पकता जाएगा तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा और मसाले जब पूरी तरह से सूखे हो जाएंगे तो तेल भी छोड़ देंगे। ये मसाले भुन गए हैं।
लेकिन अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं। अब इसी में हम आधा कप हरी मटर डालकर भूनेंगे। मटर को हम मसाले के साथ 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेते हैं, जिससे मसाले के साथ साथ मटर हल्के पक जाएं। अब मसाले और मटर दोनों पक चुके हैं और मसाले सूखे होकर तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए 1.5 कप पानी डालेंगे। पहले 1 कप पानी डालकर मसाले मिला लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप पानी और डाल देते हैं और अब इसमें हम कोफ्ते डालकर मिला लेते हैं। अभी ग्रेवी थोड़ा पतला दिख रहा है, लेकिन जब सब्जी पक जाएगी तो कोफ्ते ग्रेवी को सोख लेंगे। अब कढ़ाई को ढककर सब्जी को मीडियम आंच पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। लगभग 8 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर सब्जी को देख लेते हैं। कोफ्ते ने ग्रेवी को अच्छे से सोख लिया है और ग्रेवी पकने के बाद गाढ़ी हो गई है। सब्जी पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। अब गैस को हम बंद करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पालक पनीर के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और मुलायम कोफ्ते बने हैं। अब कोफ्ते को काट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितने मुलायम कोफ्ते बने हैं। ये ग्रेवी को अंदर तक सोख लिया है। इस तरह की सब्जी आप घर पर बनाकर रोटी चावल पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। यह सब्जी रोटी पराठे के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है।